हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है y इज इक्वल टू क्वेश्चन a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। अब हम लोगों को इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में हम लोग देखेंगे जितना आर्बिटेरी कांस्टेंट रहेगा, a b c ये सब जो कांस्टेंट है आर्बिटेरी कांस्टेंट, उतने टाइम्स हम लोग उस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इसमें देख रहे हैं a और b दो आर्बिटेरी कांस्टेंट हम लोगों को दिख रहा है, तो हम लोग इसको दो बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये हो गया। उसके बाद ए और ई टू द पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये आर्बिटेरी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग बाहर कर लिए। अब डिफरेंशिएट ई टू द पावर एक्स, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो e टू द पावर x ही रह जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे फिर b एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लिए। उसके बाद जब e टू द पावर माइनस x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद फिर e टू द पावर माइनस x, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस एक्स। चूँकि यहाँ पे दो आर्बिटेरी कांस्टेंट है सो हम लोग इक्वेशन का दो बार डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक बार निकाल लिए अब फिर एक बार इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा फिर d 2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फिर जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट, फिर e टू द पावर x का e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया b, और फिर e टू द पावर माइनस एक्स का तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए e टू द पावर एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा b e टू द पावर माइनस एक्स। अब ये वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे y के इक्वल है, तो इसको हम लोग y पुट कर देते हैं तो ये हो गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन वन। इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन। इक्वेशन दिया हुआ था, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिए। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b। इसमें भी जो देख रहे हैं हम लोग a और b दो आर्बिटेरी कांस्टेंट मिला है, तो इसको भी हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx, और फिर ये हो गया a कांस्टेंट हो गया। साइन x प्लस b को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस b। अब x प्लस b को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और b का कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया इतना। अब फिर एक बार इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, अगेन जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम लोग x के साथ फिर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फिर कांस्टेंट टर्म बाहर होगा cos x प्लस ए भी, फिर ये साइन cos का डी सी साइन x प्लस बी, फिर x प्लस बी का यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे फिर देखेंगे ये जो है y के इक्वल है, तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई,
फिर y को इस साइड कर लेते हैं तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो सो ये हो गया इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किसी भी इक्वेशन का, कोई भी इक्वेशन अगर दिया है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट आप हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो से हमेशा अपडेट रहें। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।